Good evening, everybody. This is Ashwini Saini and I am your English teacher. एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे evening live YouTube session में. सौम्य, सुषमा, जसप्रीत, मोना, very good evening. Hello. I am good, safe, healthy, and I hope that you all are hale and hearty. Okay. Let's begin the session. So, आज के इस लेक्चर में भाई बहुत जरूरी बात हम करेंगे जो कि जुड़ी हुई है IELTS Academic Task 1 से, रिपोर्ट से, और जिन्हें मैं कहता हूँ कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. जी हाँ, कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वो सेंटेंसेस जो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, कॉम्बिनेशन चार्ट, इन पांच तरह के चार्ट्स में कॉमन होती हैं, जिन्हें आप एक बार अगर ढंग से कर लेंगे तो आप बार बार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग चार्ट में. और अगर वो आप ठीक से कर पाएँ तो बड़ी आसानी से आप 6.5 बैंड अपने एकेडमिक IELTS राइटिंग टास्क 1 में ले सकते हैं. हालांकि ये वीडियो या ये कंटेंट हम अपनी पेड जो IELTS का ट्यूटोरियल है उसके अंदर रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं ये सेशन आपको यहाँ YouTube पर दे रहा हूँ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स सबसे पहले आपको सीखने चाहिए जब आप रिपोर्ट राइटिंग की शुरुआत करते हैं. ऐसा ही एक कलेक्शन वोकैब का भी है, कॉमन वोकैबलरी, तो जल्दी ही मैं वो भी सेशन यहीं पर लाइव लूँगा. लेकिन फ़िलहाल आज बात करेंगे कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की. ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी नोटबुक लेके बैठें. आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 20 सेंटेंसेस हैं, 20 सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं. मैं आपको भी कहूँगा साथ के साथ आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, और बजाय कि आप वो सेंटेंसेस यहाँ कमेंट में लिखें, विच इज़ नॉट नेसेसरी, कमेंट में लिखना इतना कंफर्टेबल नहीं होता, कन्वीनियंट नहीं होता, आप अपनी नोटबुक में ही उसके टेम्पलेट लिखें, उसके सेंटेंसेस लिखें, और जो पिक्चर आपके सामने होंगी उसको देखकर उसके बाद जो मुझे एक्सप्लेन करना होगा मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड आई होप आई एम ऑडिबल टू यू, बिकॉज पहले दिन थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम थी, उसके बाद से आई हैव चेंज्ड माय माइक और बाकी की चीज़ें मैंने ठीक की, और उसके बाद से ऑडियो की अब मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो मीनवाइल वी हैव मोर स्टूडेंट्स जो रेगुलर हमारे इस ट्यूटोरियल में होते हैं, दीपक, पूजा, हरप्रीत, बेअंत कौर, आंचल, करण, किशन, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर इन लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं. इट्स अ प्रिविलेज, प्लेजर, और इसीलिए मैं ये सेशन लेता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ, और इस लॉकडाउन में कम से कम कुछ तो हमारे पास पॉजिटिव हो सोचने के लिए, कहने के लिए कि हमने इसको लर्निंग के लिए यूटिलाइज़ किया है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरी फ़ोटो के अलावा भी वहाँ कुछ लिखा हुआ है, IELTS राइटिंग मॉड्यूल एकेडमिक टास्क 1 कॉमन सेंटेंसेस. जी हाँ, कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, कॉमन स्ट्रक्चर. जब मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ तो वो उसका मतलब है मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ. तो चलिए सबसे पहले सैम्पल थिंग्स और सब्जेक्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या होता है. हर एक टास्क में जो भी आपके सामने ग्राफ होगा, चाहे लाइन हो या बार हो या पाई चार्ट हो या टेबल हो, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी जिसका कंपैरिजन या जिसके स्टैटिस्टिक्स
उस पर्टिकुलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपके सामने होंगे, तो वो आमतौर पे कैसे होंगे? ये कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हमेशा यही होंगे, सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। तो वो हो सकता है पिज़्ज़ा का कंजम्पशन हो, कंजम्पशन ऑफ पिज़्ज़ा, जिसको आप किसी अलग शब्दों में पिज़्ज़ा इनटेक भी लिख सकते हो, पिज़्ज़ा इनटेक, या फिर अमाउंट ऑफ पिज़्ज़ा इटन बाय। तो इस तरह से थोड़े बहुत चेंजेस हम इन सब्जेक्ट्स में करते रहेंगे जैसे जैसे हम इन्हें अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताएंगे कि वो बढ़ा या वो घटा या वो फ्लक्चुएट हुआ। ऐसे ही रेट ऑफ क्राइम, जिसको आप क्राइम रेट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वीट, जिसे वीट प्रोडक्शन आप कह सकते हो, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट यानी कि मनी स्पेंट, कैटेगरीज, नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल, टूरिस्ट अराइव्ड इन यूएसए और इन यूके, प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल प्राइसेस, सेल ऑफ टू व्हीलर, टू व्हीलर सेल, जीडीपी ऑफ चाइना, चाइनीज जीडीपी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स। तो इस तरह से सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर जो बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, या कोई भी इनमें से चार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कंपैरिजन है किस चीज़ का, डिस्क्रिप्शन है किस चीज़ का। तो वो पता लगाओ आप, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी को ही फिर ट्रेंड में शो करना है कि ये बढ़ा है या ये घटा है, या इसमें वक्त के साथ बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है। अब देखिए कुछ रेफरेंस टर्म, जब मैं आपको ये स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करूँगा तो कुछ इस तरह के टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं थिंग कहूँगा तो थिंग से मेरा मतलब है कि जिस चीज़ का वहाँ डेटा है, जिस चीज़ का वहाँ कंपैरिजन है, जिस चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है या कमी आ रही है, तो थिंग यानी कि वो चीज़ है, पिज़्ज़ा कंजम्पशन या प्राइस ऑफ पेट्रोल। जब मैं कहूँ डेटा, जब मैं लिखूँ डेटा, तो इसका मतलब है जो फिगर्स दिए हुए हैं, 35 kg अगर वो कंजम्पशन फिगर है, अगर वो रुपीज़ में है तो 72 रुपीज़, अगर वो नंबर है तो 1.2 मिलियन, तो इस तरह का डेटा होगा। जब डेटा डिफरेंस मैं लिखूँ यानी कि दो फिगर हैं, कोई 2005 का है तो अगला फिगर 2010 का है, तो उसके बीच का डिफरेंस, तो 35 kg मान लो 2010 में पिज़्ज़ा खाया गया और 28 kg दो, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दिस इज़ द फर्स्ट टेम्पलेट स्ट्रक्चर, और एक साथ में लाइन ग्राफ भी आप देख पा रहे हैं जो सैंपल के तौर पे मैंने दिया है, और उसी के ऊपर ही मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस बनाया है। तो देखें ये टेम्पलेट स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट थिंग प्लस एडवर्ब वर्ब सेकंड फॉर्म, टू प्लस न्यू डेटा प्लस टाइम पीरियड। पहला स्ट्रक्चर हो सकता है थोड़ा आपको अजीब लगे, लेकिन जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा एग्जाम्पल देके, तो उसके बाद से जितने भी आप स्ट्रक्चर करोगे आप खुद ही सेंटेंसेस बना लोगे बड़ी आसानी से, क्योंकि यही फायदा होता है इस तरह के टेम्पलेट स्ट्रक्चर्स का, कि आप आसानी से इनके सेंटेंसेस बना पाओ बिना ज़्यादा अलग से अपना दिमाग इस्तेमाल किए, क्योंकि ये टेम्पलेट होते हैं, इनमें सिर्फ डेटा ऐड करो और नए सेंटेंस आप बना सकते हो। तो थिंग से मेरा मतलब है, देखो ये पर्टिकुलर जो नीचे आप लाइन ग्राफ देख पा रहे हो थिंग, तो ये किस बारे में है, ये पिज़्ज़ा कंजम्पशन के बारे में है। तो थिंग यहाँ पे हो गई पिज़्ज़ा कंजम्पशन या पिज़्ज़ा इनटेक, राइट। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या है भाई, 1980 और 2000, तो दो टाइम पीरियड यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 1980 से 2000 के बीच का ये चेंज है, यानी कि 20 वर्षों में जो भी चेंज आया पिज़्ज़ा कंजम्पशन के फिगर में। अब यहाँ पे एक है न्यू डेटा, ओल्ड डेटा का इसमें जिक्र नहीं है, न्यू डेटा मैंने लिखा हुआ है, सो न्यू डेटा यानी कि 2000 में क्या डेटा है, 30, ये देखो यहाँ पे 30, और ये केजी में है, यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन ये केजी में है, किलोग्राम, और यहाँ पे है एडवर्ब वर्ब, जो हम चुनेंगे कि हमें कौन सा एडवर्ब और वर्ब यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे इस पे। द कंजम्पशन ऑफ पिज़्ज़ा, ये हो गया थिंग, कंजम्पशन ऑफ पिज़्ज़ा ग्रेजुअली इंक्लाइंड, यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं है, अगर जो देखो ये ऐसे ऐसे आके ये एकदम ऐसे हो जाता या ऐसे भी हो जाता तब भी ये ज़्यादा होता, लेकिन अगर कोई आंकड़ा ऐसे बढ़ रहा है तो इसे मैं ग्रेजुअल बोलता हूँ, राइट, और अगर कोई बस इस तरीके से होता है तो मैं उसे स्लाइट बोलता हूँ, तो क्योंकि ये वाला ट्रेंड, इसे मैं ग्रेजुअल कह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो वर्ब एडवर्ब यूज़ किया वो है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, और वर्ब क्योंकि ये बढ़ा है इसलिए इनक्लाइंड।
अब यहाँ पे मैं यूज़ करने को मॉडरेटली भी कर सकता था ग्रेजुअली की जगह पे, और इंक्लाइन की जगह पे मैं इंक्रीज्ड भी यूज़ कर सकता था, रोज़ भी यूज़ कर सकता था, जितनी भी बढ़ने वाले वर्ब होते हैं उनके सेकंड फॉर्म यहाँ पे आसानी से यूज़ हो सकते थे। तो ये समझ पा रहे हैं आप? चलिए, ये है आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, जिसमें सिंपली हमने क्या यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका आप ध्यान रखें। डेटा पास्ट का है, अगर हम 2021 में 1980 और 2000 की बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए पास्ट है, तो इस पास्ट में सेकंड फॉर्म का आपने ध्यान देना है, और ये इंक्लाइंड, ये सेकंड फॉर्म। और 235 kg, नया डेटा है 35 kg। एक मिनट रुकिए, यहाँ मेरे ख्याल से हमने थोड़ा गलत लिखा है, ये 30 kg है, तो इसको आप 30 kg कर लीजिए, 30 kg पर पर्सन ड्यूरिंग 1980-2000। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टाइम पीरियड आप अलग अलग तरीक़ों से दिखा सकते हो, फ्रॉम 1980-2000 भी लिख सकते हो, और ड्यूरिंग 1980-2000 डैश लगा के लिख सकते हो, बिटवीन 1980 एंड 2000 आप ये भी लिख सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं आपके पास इस पर्टिकुलर टेम्पलेट स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए। अब ये मैंने इस पे एग्जांपल आपको दिया है, लेकिन आपके सामने जितने भी लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल होते हैं, वहाँ पे आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। ओके, तो आप नोट करें इन टेम्पलेट स्ट्रक्चर को, और जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ साथ में प्रैक्टिस भी करें। और यहाँ पे अब मैं आपको होमवर्क नहीं दे सकता, वो आपको खुद करना पड़ेगा, राइट? कि अलग से बैठ के एक एक दो दो एग्जाम्पल हर एक टेम्पलेट पे आपको खुद से बनाने हैं, और अगर ये काम पे आप थोड़ी मेहनत कर लोगे, एक दो घंटा लगा लोगे, डेफिनेटली आपकी राइटिंग में सीधा सीधा आधे बैंड का फर्क तो पड़ ही जाएगा एकदम से, बाकी धीरे धीरे करके आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हो। चलिए दूसरा सेंटेंस देखें क्या है। पहले में और दूसरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। थिंग एज इट इज़ है, एडवर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी एज इट इज़ है। वहाँ टू था, यहाँ बाय है, ध्यान दो, वहाँ टू था लेकिन यहाँ बाय है। अब उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, जब टू आता है, जब टू होता है तो उसके बाद न्यू डेटा की बात होती है, लेकिन जब बाय होता है तो फिर डेटा डिफरेंस की बात होती है, डेटा डिफरेंस, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और डेटा डिफरेंस क्या होता है, न्यू डेटा माइनस ओल्ड डेटा। तो यहाँ बाय आ गया, दिस इज द ओनली डिफरेंस, डेटा डिफरेंस, बाय के बाद डेटा डिफरेंस आएगा, और फिर टाइम पीरियड वो सेम है, बिल्कुल पिक्चर सेम है, डेटा सेम है, तो उसके हिसाब से एग्जाम्पल क्या बनेगा, द कंजम्पशन ऑफ पिज्ज़ा ग्रेजुअली इंक्लाइंड, वो सेम है यहाँ तक, बाय 7 kg। और 7 kg कैसे निकाला, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अंदाजे से कर रहा था, ये 30 है तो ये 20, मैं इसको मान रहा हूँ ये 23 है, और ये 30 है, तो 30 माइनस 23, तो ये डिफरेंस आ गया 7 kg पर पर्सन, बाकी सब सेम है ड्यूरिंग 1980-2000। तो ये स्ट्रक्चर वही है, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है डेटा बताने का, कि हम नया डेटा लिखना चाहते हैं टू लगा के, या हम नए माइनस पुराना डेटा डिफरेंस लिखना चाहते हैं बाय लगा के। तो ये दो डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा जब अपनी रिपोर्ट आप बनाएंगे, या जब आप डेटा इलेबरेट करेंगे अपने लाइन ग्राफ में, बार ग्राफ में, पाई चार्ट में, टेबल में, या कॉम्बिनेशन चार्ट में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें पिछले सेंटेंस से टोटल अप्रोच बदली हुई है, और इसी को ही रेंज कहते हैं, जो GRA जिसे बोलते हैं ना, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इसमें जो ये R है बीच का, रेंज, तो रेंज का मतलब ही ये होता है कि आप अलग ग्रामर का इस्तेमाल करें उस सेम बात को बताने के लिए। तो हालांकि मैं पिछले वाला जो पिक्चर थी पिज़्ज़ा कंजम्पशन की, उसी पे भी एग्जांपल बना सकता था, पर हमारी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा मैं अलग अलग पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ, अलग अलग डेटा यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ हमें करना क्या है, थिंग, अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ट की बात करें, यहाँ थिंग क्या है, हैमबर्गर कंजम्पशन, हैमबर्गर बर्गर को बोलते हैं भाई, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पिज़्ज़ा कंजम्पशन थी, हैमबर्गर कंजम्पशन है, और टाइम क्या है, 1990 और 2000। तो टाइम हमें देना है, ये यहाँ है देखो, प्रीवियस टाइम और न्यू टाइम, तो प्रीवियस टाइम 1990, न्यू टाइम 2000, ओल्ड डेटा, ओल्ड डेटा ये कितना है 25 kg, न्यू डेटा ये कितना है 31 kg ही लग रहा है, तो ये दिख रहा है, और थिंग है हैमबर्गर कंजम्पशन, उसके बाद हैड लगाना है, फिर एडजेक्टिव नाउन, पिछले में एडवर्ब वर्ब कॉम्बिनेशन था, ये एडजेक्टिव नाउन है, और
ये मैं वोकैबलरी में एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट को, जैसे ग्रू शार्पली है तो वो शार्प ग्रोथ बन जाता है, ठीक है ना, और जैसे रोज ड्रामेटिकली है तो वो ड्रामेटिक राइज बन जाता है, तो इस तरह से वो चेंज हो जाता है। एडवर्ब वर्ब वाला जो वर्जन होता है वो एडजेक्टिव नाउन में चेंज हो जाता है, तो एडजेक्टिव नाउन चाहिए और फिर फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करना है। फ्रॉम ओल्ड डेटा इन प्रीवियस टाइम टू न्यू डेटा इन न्यू टाइम, इट्स अ वेरी वेरी नाइस स्ट्रक्चर, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू राइट। तो ये एक सेंटेंस तकरीबन हर एक आप लाइन ग्राफ बार ग्राफ पाई चार्ट इनमें लिख सकते हो, तो इसको तो बड़े अच्छे से आप याद कर लो, अपनी मेमोरी में बिठा लो। तो देखो करना कैसे है, द कंजम्पशन ऑफ हैमबर्गर, ये एज इट इज थिंग आ गई, हैड उसको उसी जगह पे रखो, हैड ए मॉडरेट ग्रोथ। अब ये हमने चुनाव किया कि मॉडरेट लिखेंगे, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा चेंज आ गया, अब मॉडरेट ग्रोथ, तरक्की हुई है, बढ़ोतरी हुई है ग्रोथ, कहाँ से, फ्रॉम, ये लगाया फ्रॉम, ओल्ड डेटा 25 kg, ये रहा 25 kg, टू टाइम बताना है पहले, इन प्रीवियस टाइम 25 kg, इन 1990, ये 1990 का फिगर है, टू 31 kg इन 2000, तो ये 2000 का फिगर है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो रॉकेट साइंस, बहुत आसान है, और इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर इस लेक्चर के लिए बगैर मैं आपको रोज टास्क वन कराता रहूं तो शायद मुझे भी इतना मज़ा नहीं आएगा आपको टास्क वन कराने में, क्योंकि इसके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं है। इस ग्रामेटिकल रेंज के बगैर आपको ये पांच तरह के जो टास्क वन होते हैं वो हो ही नहीं पाएंगे। हाँ, जो आपका मैप और प्रोसेस चार्ट है उसमें ये लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं होगी, लैंग्वेज से मेरा मतलब है ये जो पैटर्न है, स्टाइल है इंक्रीज डिक्रीज वाला, ये वहाँ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो बाकी के पांच तरह के जो ऐसे आपके टास्क वन रिपोर्ट टाइप हैं उसमें ये सब यूज़ होंगे, और बहुत ज़्यादा अच्छे से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, और बच्चे करते भी हैं, बच्चे मगअप कर लेते हैं, इनको रट्टा मार लेते हैं। मैं क्रैम करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं समझा रहा हूँ बकायदा कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल हो रही है। चलिए नंबर चार पे आते हैं, एम आई ऑडिबल, पिक्चर क्लियर है, नेटवर्क इशू तो नहीं है, प्लीज़ कमेंट में लिखें। दिव्या आप कह रहे राइटिंग टास्क टू करवा दो सर, ऐसे नहीं होता, जो लेक्चर चल रहा है पहले वो तो अटेंड कर लो, कल टास्क टू किया था, उससे पहले एक बार टास्क टू किया था, तो ऑल्टरनेट डेज पे टास्क वन टास्क टू दोनों चलेंगे, पेशेंस रखें, सब कुछ होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करके होगा, ठीक है। आप बस मुझे ये बताएं कि अब नेटवर्क इशू तो नहीं है, आप देख पा रहे हैं वीडियो प्रॉपरली, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ठीक से, ऑल फाइन, ऑल ओके, ओके जतिन थैंक यू, ओके विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर चार, ये उससे बिल्कुल अलग है, पिछले दो तीन जो स्ट्रक्चर थे उनसे टोटल अलग है। ए पहले ए लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव नाउन वर्जन यूज़ करेंगे ऑफ डेटा डिफरेंस, डेटा डिफरेंस। अब ये टर्म्स आपके लिए नई नहीं है, मैंने कहा था पहली बार ही आपको ये नई लगेंगी, अब नहीं, डेटा डिफरेंस आप जानते हैं क्या है, एडजेक्टिव नाउन भी आप जान गए हैं क्या है, फिर वोज लगाना है और कुछ इस तरह के वर्ड्स लगाने हैं। यहाँ मैं पाँच छः वर्ड बोलता हूँ, रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड तो हो ही गया, और दे देता हूँ मैं, नोटिस्ड भी लिख सकते हो, सो की थर्ड फॉर्म सीन लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो विटनेस्ड, और आप लिख सकते हो ऑब्जर्व्ड। तो मेरे ख्याल से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड काफ़ी हैं, इतनी बार तो ये सेंटेंस रिपीट होना ही नहीं, इतना काफ़ी है, तो ये 6 वर्ड्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ किस तरह से लिखेंगे भाई, अ शार्प रिडक्शन ऑफ 18% वॉज रिकॉर्डेड, डेटा देखें पहले तो 2005 है 2015 है, 10 साल का डिफरेंस है, और जो आपका थिंग है वो है सेल ऑफ टू व्हीलर, यहाँ थिंग एंड में लगा हुआ है, ध्यान दें टाइम पीरियड एंड में है, सेल ऑफ टू व्हीलर, और जो 2005 का डेटा है वो है 35। अब ये 35 कैसे है, मिलियन में है या किस तरीके से है, तो उसकी हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं कितने परसेंट का, परसेंटेज का डेटा है ये, ठीक है, ये परसेंटेज में है डेटा। तो 2015 में ये तकरीबन कितना हो गया, 15, 16, 17 लग रहा है कि ये 17 है, 17%, 35 से 17%, ओके। तो अब देखते हैं 35 - 17 तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 18%, ठीक है। अ शार्प रिडक्शन, ये तो हमें करना था, शार्प एडजेक्टिव रिडक्शन नाउन, ए शार्प रिडक्शन कितने की है वो, ऑफ डेटा डिफरेंस ऑफ 18%, 35 - 17 डेटा डिफरेंस, वॉज रिकॉर्डेड या रजिस्टर्ड या नोटिस्ड सीन विटनेस ऑब्जर्व्ड, इन सब में से कोई भी यूज कर लो, किस में, इन द सेल ऑफ टू व्हीलर, ये है थिंग, इन द सेल ऑफ टू व्हीलर, और टाइम पीरियड क्या है, थ्रू आउट द टाइम पीरियड शोन, अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो आप
फ्रॉम 2005 टू 2015, बिटवीन 2005 एंड 2015, ओके। और तीसरा तरीका ड्यूरिंग 2005-2015, लेकिन यहाँ जो मैं बताना चाह रहा था वो था वॉज विटनेस्ड, वॉज रिकॉर्डेड, वॉज रजिस्टर्ड की ग्रामर, जो कि ग्रामेटिकल रेंज, मैं बार बार कह रहा हूँ, जी आर ए के अंदर जो ये आर है वो रेंज का स्कोर है, और जो ये ए है वो एक्यूरेसी का स्कोर है। तो आपको एक्यूरेट भी लिखना है और आपको अलग अलग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी यूज़ करने हैं, तो दोनों का स्कोर मिला के ही आप अच्छा कर पाओगे अपनी टास्क वन राइटिंग में। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। ये भी एक बहुत सिंपल, आसानी से इस्तेमाल हो सकने वाला स्ट्रक्चर है, और जो डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपकी एक लाइन ग्राफ एक्सप्लेन किया था उसमें ये दो तीन बार मैंने खुद यूज़ किया था अलग अलग तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि इसको एक बार भी आप रिपीट नहीं कर सकते, एक बार तो लिखा ही है, एक बार और इसे आप रिपीट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा उसमें आप डेटा एलैबोरेट कर रहे हैं, बार बार सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं। बट कोशिश करो आपके पास रेंज इतनी सारी हो, किसी को रिपीट करना ही ना पड़े। तो यहाँ क्या है, देयर वॉज, पास का डेटा है तो वॉज ही आएगा हमेशा, अगर पास नहीं है प्रेजेंट है तो आप इस भी लिख सकते हो। देयर वॉज वही है, ए एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन इन थिंग टाइम पीरियड, बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। तो नीचे का एक बार चार्ट देख लीजिए, नंबर ऑफ विजिटर का डेटा है और वो कितने में है, वो इस हिसाब से देखें तो मिलियंस बिलियंस में होता है अंग्रेजों का डेटा, लेकिन हम यहाँ बात करें तो ये लग रहा है ये 5 लाख है और ये 3 है, तो ये 35 लाख है, ओके 35 लाख और 3.5 मिलियन, 35 लाख कितना होता है 3.5 मिलियन। तो ग्रामर देखें, ये 1980 है, 2000 है, देर वॉज अ कंसिडरेबल इंक्लाइन, ये थोड़ा नहीं है भाई ज़्यादा है, 2 से तकरीबन ये 20 लाख से ये 35 लाख हो गया, थोड़ा सा और हो जाता तो ये दुगना हो जाता, तो ये कम नहीं है, ये वाली बढ़ोतरी कम नहीं है, अच्छी खासी ये बढ़ोतरी है। तो इसलिए हमने यहाँ कंसिडरेबल टर्म यूज़ किया, ये चीज़ हम डिसाइड करेंगे, इंक्लाइन चूँकि बड़ा है, अगर कम हुआ होता तो डिक्लाइन आ जाता। इन द नंबर ऑफ विजिटर थिंग, ध्यान दें आप, सब कुछ वैसे ही है जैसे टेम्पलेट में लिखा हुआ है, देर वॉज ए कंसिडरेबल इंक्लाइन इन थिंग द नंबर ऑफ विजिटर्स और आगे टाइम पीरियड बिटवीन 1980 एंड 2000। सो बड़े सिंपल से तरीके से आप टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं डेटा के हिसाब से, पर जितना आसान आपको इसमें देखने में लग रहा है, जब आपके सामने पूरी एक पिक्चर होगी और 20 मिनट का एक प्रेशर होगा तब ये काम आपको क्विकली करना है, बड़ी तेज़ी से आपको इस चीज़ पे सोचना है और अपने सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी रिपोर्ट लिखनी है। फिलहाल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं छोटे से सेंटेंस पे अच्छा खासा वक्त लगा रहा हूं, लेकिन रियल एग्जाम में क्विकली आपको ये डिसीजन लेना है। चलिए अब आ जाओ 6th नंबर पे, अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है स्ट्रक्चर्स में, थोड़े कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं स्ट्रक्चर जिसमें थोड़ा मिक्स डेटा होगा और डबल डबल सेंटेंसेस भी आगे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, पहले लिखना है थिंग, थिंग यहाँ पे क्या है, जीडीपी ऑफ चाइना, तस्वीर भी साथ में देखते चलें, रिमेंड रही, पास की बात है रिमेंड, ऑलमोस्ट रिलेटिवली, इन दोनों में से कोई भी एक, सेम या स्टेबल, सेम या स्टेबल, ऑलमोस्ट सेम, रिलेटिवली सेम, ऑलमोस्ट स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल, इस तरह से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी आएगा, ठीक है, विच अकाउंटेड फॉर, कोमा लगाया, विच अकाउंटेड फॉर, यहाँ कुछ बच्चे वोज लिख देते हैं, विच वोज अकाउंटेड फॉर, वोज नहीं आना भाई, प्लीज़ वोज यूज़ मत करना, जब आप अकाउंटेड फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ वोज यूज़ मत करो, इसे लिख लो कहीं भी, अकाउंटेड फॉर के साथ वोज इस्तेमाल नहीं करना। सो विच अकाउंटेड फॉर डेटा, फिर डेटा मेंशन कर देना है हमें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, क्योंकि सेम रहा है तो डेटा फिर सिंगल ही होगा ना, डेटा दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। द जीडीपी ऑफ चाइना, ये तो हो गई थिंग, रिमेंड, रिमेंड दोनों जगह, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, स्टेबल, स्टेबल, बिटवीन, टाइम पीरियड बताना है तो बिटवीन 1970 एंड 1980, ये टाइम पीरियड हमने यहां से बताया, ठीक है ना। और लास्ट में विच अकाउंटेड फॉर 7.8%, जो तकरीबन कितना था, मैं ये देख रहा हूं ये 6 है तो बीच में 7 रहा होगा, और अगर ये 7 रहा है तो ये 8 से थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसे 7.8% कह दिया। तो ये सेम रहा, इसमें कोई खास बदलाव आ नहीं रहा, ओके। इस तरह से आप यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर को जब कोई डेटा उसमें कोई भी चेंज ना हो रहा हो और वो तकरीबन तकरीबन सेम लग रहा हो आपको दो टाइमिंग में, एक ड्यूरेशन के दौरान,
तब आप ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टाइप पे, किसी भी रिपोर्ट्स में। ओके चलो भाई, अब आ जाते हैं सेवेंथ पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ बीच बीच में कि आपके जो कमेंट्स है वो भी पढ़ूँ। कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे ऑनलाइन क्लास का हिस्सा होते हैं रेगुलर जूम सेशन पे, वो भी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो जतिन आप पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस्ड भी, जी हाँ, पीछे जो मैं बोल के गया हूँ वहाँ एक्सपीरियंस्ड भी आ सकता था, विटनेस्ड, एक्सपीरियंस्ड, ऑब्जर्व्ड, नोटिस, ओके, रजिस्टर्ड, रिकॉर्डेड, पर हमें इतने शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है और आपकी मर्जी है आप इनमें से कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हो। ओके और दीप आप पूछ रहे हैं इंक्लाइन क्यों नहीं यूज़ किया इंक्लाइन सर, तो ये भी चॉइस है हमारी। मुझे लगा कि इंक्लाइन मैंने पहले यूज़ कर लिया है रिपोर्ट में या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इंक्लाइन के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, इंक्रीज है, ग्रो है, इम्प्रूव है, एस्केलेट है, राइज है, सर्ज है, ठीक है ना। 7-8 वर्ड तो मैंने ही बोल दिए और काफ़ी है, इतना भी ज़्यादा डेटा नहीं होता कि आप 8 बार अगर इंक्लाइन लिख दोगे तो डेटा मतलब चलता ही रहेगा, इतना डेटा होता ही नहीं कि इतना ज़्यादा आपको उसको रिपीट करने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ थिंग इन प्लेस एक्सपीरियंस्ड, ये थिंग आया, जगह प्लेस, जगह कहाँ है यहाँ, यहाँ US और इंडिया, इनमें से कोई भी एक का हम आंकड़ा ले लेंगे। थिंग इन प्लेस एक्सपीरियंस्ड विटनेस्ड, इन दोनों में से एक यूज़ करना है, या तो एक्सपीरियंस यूज़ करो या विटनेस, जहाँ मैं ओब्लिक लगा रहा हूँ यानी कि उनमें से कोई एक यूज़ करना है। और हालांकि यहाँ वो वर्ड भी आ सकता है जो पीछे बता के गया हूँ, प्लेस, सो, नोटिस्ड और रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड, वो सब वर्ड आ सकते हैं यहाँ पे। अ स्लाइट, अगर थोड़ा है तो अ स्लाइट और ज़्यादा है तो रैपिड फ्लक्चुएशन, ये तो होगी स्लाइट फ्लक्चुएशन, मान लो कोई इतना हुआ, इतना हो गया, ये तो होगी स्लाइट फ्लक्चुएशन। लेकिन अगर ये ऐसे होती तो ये रैपिड फ्लक्चुएशन होती, ठीक है ना, या शार्प फ्लक्चुएशन होती। तो स्लाइट और शार्प में आप फर्क देखो कितना है। ओके तो हमें चूज करना पड़ेगा कि हम क्या लिखना चाहते हैं। तो पहले थिंग द प्रोडक्शन ऑफ वीट, ये तो थिंग हो गई, ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द USA, USA में, जगह कहाँ है USA का। एक्सपीरियंसड अ स्लाइट फ्लक्चुएशन, तो ये हमारा टर्म आ गया एक्सपीरियंस या विटनेस, अ स्लाइट फ्लक्चुएशन इन द US, एक्सपीरियंसड अ स्लाइट फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड, कहाँ है फ्लक्चुएशन भाई, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द US एक्सपीरियंस स्लाइट फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द गिवन टाइम, थ्रू आउट, तो पहले US का डेटा देख लेते हैं। ये था 20, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है ना, फिर ऊपर गया, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा नहीं है कि इसमें हम शार्प या रैपिड वर्ड का इस्तेमाल करें, तो ये स्लाइट फ्लक्चुएशन में ही रहेगा। एक्सपीरियंस्ड स्लाइट फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द गिवन टाइम स्पैन, पूरे वक्त के दौरान। तो किस तरह से है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया, तो ये कोई मैसिव फ्लक्चुएशन नहीं है। तो ये हो गया आपका सेवंथ स्ट्रक्चर। Some students are writing, thanks sir for giving us the structure. It's a pleasure. I'm sharing my knowledge with you, my experience with you. और ये मैंने बना ही आप student के लिए रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन lectures का फ़ायदा उठाएँ और अपने score को improve करें इस time पर, जिस time पर कोई exam नहीं हो रहे हैं, लेकिन जल्दी exam होने शुरू हो जाएंगे, खुलेंगे, ये हालात भी ठीक होंगे, पर अपनी तैयारी दुरुस्त रखो, रोज़ regularity में पढ़ते रहो, अपने आप को अच्छी input देते रहो। और अगर मुझसे बात करनी है तो स्क्रीन पे एंड में मैं नंबर शेयर करूँगा, जो हमारे एडमिशन इंचार्ज हैं आप उनसे बात कीजिए, उसके बाद आप एक्सपर्ट टॉक के अंदर मेरे साथ भी बात कर सकते हैं। रोज़ बहुत सारे बच्चे से तो मैं बात नहीं कर पाता, लेकिन 2-3 बच्चों के साथ अलग से मेरा कम्युनिकेशन हो जाता है, और आप में से कुछ बच्चे जो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनके साथ भी मैं रेगुलर कुछ कम्युनिकेशन में बना रहता हूँ। प्रायोरिटी वही है सिखाना, ऐसा नहीं कि जब आप मुझे कॉल करेंगे तो कुछ और बात होगी, इसी चीज़ की बात होगी कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, अपने आइल्स के बैंड स्कोर को कैसे इंप्रूव करें, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, वोकैबुलरी पे कैसे काम करें, CVG कैसे इंप्रूव करें। सो दिस इज़ ऑल आई टॉक अबाउट विद स्टूडेंट्स व्हेन दे कॉल मी, व्हेन दे कनेक्ट टू मी। सो इफ़ यू आर विलिंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी, यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर्स विच वी गिव यू रेगुलरली। तो अब आते हैं भाई 8 नंबर स्ट्रक्चर पे, क्योंकि हमें 20 स्ट्रक्चर करने हैं, ऑलरेडी ये सेशन आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, तो हमें एक आर के अंदर ये सेशन फिनिश करना है, जो कि एक कट ऑफ मैं लेके चलता हूँ। तो यहाँ क्या है स्ट्रक्चर, प्लेस एक्सपीरियंस्ड विटनेस्ड
तो ये प्लेस अपवर्ड आपके लिए नया नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड और विटनेस आपके लिए ये भी नया नहीं है, स्लाइट और रैपिड फ्लक्चुएशन ये भी नया नहीं है इन थिंग टाइम पीरियड। देखा जाए तो इसमें और पिछले सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई, उनके भावों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पर उनकी संरचना में, उनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। वहाँ किसी और तरीके से बात हो रही थी या किसी और तरीके से, तो यहाँ यूएसए आगे आया है, द यूएसए एक्सपीरियंस्ड अ स्लाइट फ्लक्चुएशन। तो यूएसए ने फ्लक्चुएशन एक्सपीरियंस की इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। ये किसका आंकड़ा है? प्रोडक्शन ऑफ वीट का, यानी कि पहले इतनी वीट निकली, फिर थोड़ी ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो वो फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार, कम ज़्यादा थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। ओके, तो दिस इज द वे वी राइट, सब कुछ वही है, टाइम पीरियड थिंग ये हमने यहाँ बता दिया, प्रोडक्शन ऑफ वीट, आगे टाइम पीरियड आ गया, स्लाइट रैपिड इसमें से कुछ भी चुन लो, स्लाइट फ्लक्चुएशन चुन लो, और आगे तो जो स्ट्रक्चर था वो तो है ही है, यूएसए एक्सपीरियंस्ड। सो दिस इज हाउ वी डू दिस काइंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रक्चर्स। नोट करते रहें, बिना नोट किए ये उड़ जाएंगे दिमाग से, क्योंकि इतने भी सीधे नहीं हैं, थोड़ा सा टेक्निकलिटी है इनमें, डेटा प्लेस करने में, डेटा को समझने में। सो ग्रांटेड मत लीजिएगा, मेहनत कीजिए, मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। ओके, नाइन्थ स्ट्रक्चर आप देखें, नाइन्थ का इस्तेमाल तब होगा जब कोई चीज़ अपने शिखर को छूती है, उसके बाद फिर कम होने लगती है। ऑब्वियसली बात है, शिखर आ गया तो उसके बाद दोबारा तो शिखर आएगा नहीं, वो ऊपर जाएगी नहीं, वो उससे नीचे ही आएगी, नीचे ही रहेगी। तो उस केस में आप क्या यूज़ करेंगे, एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ग्रामर्स, थिंग रीच्ड इट्स पीक। अब थिंग यहाँ पे पिज़्ज़ा एंड टेक, ये थिंग है पिज़्ज़ा एंड टेक, रीच्ड सेकेंड फॉर्म, क्यों, चाहे कुछ भी हो हमें पास्ट में लिखना है ना, रीच्ड इट्स पीक इन 2010 एट 47 kg। क्या तो ऐसा हुआ 2010 में, ये है 2010 भाई, तो सबसे ऊंची इमारत 2010 की है, तो उसे पीक बोल देते हैं, पीक होता है हाईएस्ट पॉइंट, एट 47 kg, तो ये तकरीबन 47 kg बन रहा है, देयर आफ्टर इट केप्ट ऑन डिक्लाइनिंग। ये तरीका है बात को लिखने का, उसके बाद वो कम होता चला गया, देयर आफ्टर इट केप्ट ऑन डिक्लाइनिंग। क्या ये सच है, क्या वो कम होता चला गया, पहले कम था, बढ़ के वो शिखर को छू गया, और उसके बाद वो कम होता चला गया। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस स्ट्रक्चर। आप वर्ड देख लें यहाँ पे, सबसे जरूरी जो वर्ड है वो है सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, रीच्ड इट्स पीक एंड इन 2010 एट 47 kg। क्या है 47 kg, डाटा बता दिया 47 kg, देर आफ्टर इट केप्ट ऑन डिक्लाइनिंग। ये बात समझ में आई? तो अगर ये स्ट्रक्चर पीक के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो इसका उलट अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा दिमाग लगाएं। शरण आप पूछ रहे हो, सर कैन वी सी दिस लाइव सेशन एज अ वीडियो? शरण अभी के लिए तो जो मैंने डिसाइड किया है कुछ टाइम के लिए, जब तक लॉकडाउन है, ये वीडियोस जितने मेरे लाइव सेशन हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे सभी के लिए, लेकिन जैसे ही फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी उसके बाद से ये सेशन हम सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल कराएंगे, राइट? वो हमारे लिए भी उतना ज़रूरी है, अगर मुझे कोई चीज़ आती है और मैं उस चीज़ को किसी को बिना फीस के देना शुरू कर दूं, तो द पॉइंट इज़ दैट मैं कितने वक्त तक उस काम को कर पाऊंगा? आई नीड सम फाइनेंशियल सपोर्ट इन ऑर्डर टू रन माई फैमिली, फीड माई फैमिली, गवर्नमेंट डजेंट सपोर्ट अस। सो हमारी भी एक लिमिटेशन है कि हम फ्री में कितनी मदद कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, आपकी भी अपनी लिमिटेशन होगी, लेकिन जिस बच्चे को आइल्स का एग्ज़ाम देना है उसकी भी अपनी एक फ़ीस है, जिस बच्चे को विदेश जाना है उसमें भी 10-15 लाख का खर्चा है, तो अगर आप इतना बड़ा एक टारगेट लेके चल रहे हो तो ऐसे में हम लोग की फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं होती। अगर टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, यू शुड बी रेडी टू पे दैट फीस टू योर टीचर्स, राइट? तो कोई बात नहीं भाई, ये वीडियो फ़िलहाल तो आप देखें, बाकी के वीडियो भी देखें, सब अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, बट कुछ टाइम के बाद ये वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, टेंथ स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा कि अगर पिछले में पीक था तो पीक का उल्टा भी तो कुछ होता होगा, लोएस्ट पॉइंट, तो वहाँ था, उसमें क्या था, थिंग रीच्ड इट्स पीक, और यहाँ है थिंग हिट द लोएस्ट पॉइंट इन द टाइम एंड डेटा, देयर आफ्टर इट केप्ट ऑन इंक्लाइनिंग। वहाँ वो पीक को छू के कम हो रही थी
और यहाँ वो कम को छू के बढ़ रही है, तो बिल्कुल उसी का उल्टा है। द इनटेक ऑफ पिज्ज़ा हिट द लोएस्ट पॉइंट इन 2010, 2010 में देखो ये लोएस्ट पॉइंट को हिट किया, उसके बाद वो बढ़ता चला गया, ठीक है ना, इट केप्ट ऑन इंक्लाइनिंग। हालांकि यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा अब नोटिस कर पा रहा हूँ कि गलत है, केप्ट ऑन इंक्लाइनिंग तो ये ऐसे होना चाहिए, तब तो ये जचेगा कि इट केप्ट ऑन इंक्लाइनिंग, अदरवाइज ये वाली लाइन फिर नहीं आएगी यहाँ पे, इट केप्ट ऑन इंक्लाइनिंग। हाँ ये हो सकता है, इट इंक्लाइंड इन फर्दर ईयर, यानी कि उसके अगले साल में वो बढ़ गया, तो यहाँ पे इट केप्ट ऑन इंक्लाइनिंग नहीं आएगा। ऊपर की लाइन आप देख लें, द इनटेक ऑफ पिज्जा हिट द लोएस्ट पॉइंट इन 2010 एट 18 kg। सो हिट टच के लिए इस्तेमाल हो रहा है, छूने को के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे हिट। सो दीज आर दी 10 वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ये 10 स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है भाई आपके लिए टास्क वन में, और मेन वाले 10 हो चुके हैं, लेकिन जो अभी और 10 बाकी हैं वो भी ज़रूरी हैं। वो इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होंगे, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो भी काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, और उसी रेंज से ही आप 6.5-7 बैंड तक अपने राइटिंग में पहुंच पाओगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। आप मैसअप करोगे, अपने दिमाग से लिखोगे, चीज़ें आती नहीं होंगी, तो कुछ ऐसा लिख के आओगे सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा। इसलिए सिलेक्टेड लिखो, छांट के लिखो, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करना है, उसमें डेटा ठीक से प्लेस करो, थिंग ठीक से प्लेस करो, तो आसानी से आपकी वो मतलब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे मेरी फेवरेट ग्रामर यूज़ हो रही है, हैविंग थर्ड फॉर्म वाली। अब जिसे नहीं पता हैविंग थर्ड फॉर्म, मैं बता दूं, एक ग्रामर होती है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये एक तरह से फ्रेज का काम करता है, और इसका मतलब होता है कोई काम करने के बाद। अब आप कहोगे सर उसके लिए हमारे पास आफ्टर है, अगर मैं कह दूं आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई ज्वाइंड माय डैड्स बिजनेस, ग्रेजुएशन के बाद मैंने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, आइल्स में 7 मिनट लेने के बाद मैंने अपनी फाइल लगा दी, ठीक है ना, वीज़ा मिलने के बाद मैं 2 दिन बाद ही विदेश चला गया, तो वैसे तो आफ्टर होता है, लेकिन मैं तुम्हें उससे बेहतर एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, हैविंग थर्ड फॉर्म। तो हैविंग क्लियर्ड माई आइल्स आई अप्लाइड फॉर वीज़ा, हैविंग कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन आई ज्वाइंड माई डैड्स बिजनेस, हैविंग एस्टेब्लिश्ड माई ओन बिजनेस आई वेंट अब्रोड, खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद मैं विदेश चला गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रेंज का स्कोर आपको दिलवाएगा, रेंज। एक आम स्टूडेंट, आम बच्चे को यही पता नहीं होगा इस वाले स्ट्रक्चर का, वो सीधे तरीके से लिखेगा, लेकिन अगर आपने इसको इस तरह से लिखा है तो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा आपसे कि भाई आपके पास इस तरह की वोकैबुलरी है, इस तरह के वर्ड्स हैं, रादर क्या बच्चों की तरह मतलब जो मामूली वर्ड होते हैं उन्हें यूज़ करो, आप इस तरह के स्ट्रक्चर यूज़ करो, रेंज का स्कोर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर से मिलेगा। और इसीलिए मैं ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का वीडियो या जो सेशन है वो ले रहा हूँ ताकि ये रेंज आपके अंदर आए। तो हैविंग डिक्लाइंड, एक बार कम होने के बाद, इन प्रीवियस टाइम पिछले वक्त में, थिंग इंक्रीज्ड अगेन बाय न्यू टाइम, बाय यहाँ पे तक का सेंस दे रहा है, तक, ओके। तो हमारे सामने पिक्चर क्या है उसे देख लेते हैं, ये है नंबर ऑफ विजिटर्स यानी कि लोगों का आवागमन, और ये डेटा भी मिलियंस में भी बोल सकते हो आप, या इसको आप 1000 में ही रखो वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे 60, 70, 80, 90 चार एक तरह से 30 साल का ये चेंज है, तो यहाँ पे चार अलग अलग टाइम पीरियड दे रखे हैं, तो देखो कैसे आएगा। हैविंग डिक्लाइंड इन 1980, 1980 में कम होने के बाद, तो देखो ये ऊपर से नीचे जा रहा था और 1980 में कम हुआ, फिर कोमा लगाया, द नंबर ऑफ विजिटर हैड इंक्रीज्ड अगेन बाय 1990। चूँकि हम इसे 2021 में कर रहे हैं बात को, तो हमारे लिए ये हैड थर्ड फॉर्म ही आएगी कि वो बढ़ गया था, बढ़ चुका था 1990 तक, वो बढ़ चुका था, तो ये यहाँ से 1990 तक वो बढ़ चुका था, द नंबर ऑफ विजिटर्स हैड इंक्रीज्ड अगेन बाय 1990। तो ये हो गया 1990 का डेटा, और यहाँ हो गया था आपका 1960 का डेटा। तो 80 तक गिरने के बाद 90 में वो फिर से बढ़ चला, और अगर ये इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है कि एक बार गिरने के बाद वो फिर से बढ़ गया, द नंबर ऑफ विजिटर हैड इंक्रीज्ड अगेन बाय 1990, तो इसका उल्टा भी तो होगा, एक बार बढ़ने के बाद वो गिर गया, ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। हैविंग इंक्लाइंड इन प्रीवियस टाइम थिंग हैड फॉलन अगेन बाय न्यू टाइम, तो ये आ गई बात यहाँ पे, एक बार पीक पे जाने के बाद 60 से लेके ये 80 में एक बार पीक पे आया, लेकिन उसके बाद वो फिर कम हो गया, 1990 में फिर डाउन हो गया। हैविंग इंक्लाइंड इन 1980 द नंबर ऑफ विजिटर्स हैड फॉलन अगेन बाय 1990,
विश्व की संख्या फिर दोबारा कम हो गई 1990 तक। हाँ 1980 में वो बढ़ गई थी एक बार। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल रेंज का स्कोर आपको दिलवाएंगे, इन्हें ध्यान से कीजिए और ये यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि अगर जो इस तरह के ईयर्स दिए हुए हैं कोई ना कोई तो आंकड़ा होगा, या तो लोएस्ट पे जाएगा वो, फिर ऊपर जाएगा या ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा या फ्लक्चुएट करेगा नीचे की तरफ, पर वो आंकड़ा तो फिर भी ऊपर रहेगा। तो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर आप प्लेस कर सकते हो हर लाइन ग्राफ बार ग्राफ के अंदर, ठीक है, जिसमें टाइम लाइन दी हुई है। ठीक है, पाई चार्ट में इस तरह की टाइम लाइन थोड़ा कम दी होती हैं और टेबल में भी कम होती हैं, सबसे ज़्यादा ये होती हैं आपके बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में। चलो भाई अब आ जाओ 13 स्ट्रक्चर पे, आप लोग इसे एक बार ध्यान से देखें। मीनवाइल आई टेक अ सिप ऑफ वाटर। जो भी आप टेम्पलेट देख रहे हैं, टेम्पलेट को, खाली टेम्पलेट को मत देखें, टेम्पलेट के नीचे के एग्जाम्पल के साथ उसको मैच कराएं। और एग्जाम्पल किसके ऊपर है, वो जो आपके सामने बार छपा हुआ है, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो एग्जाम्पल उसके ऊपर है। तो एक तरह से पूरा इंतजाम इस स्क्रीन पे मैंने आपके लिए किया है कि टेम्पलेट भी मिल जाए, एग्जाम्पल भी मिल जाए, और वो एग्जाम्पल किस तरह के पिक्चर से लिया गया है या किस तरह से उसको डिसाइड किया गया है, तो सामने तीनों चीज़ें हैं आपके। तो यहाँ है थिंक वॉज कंपेरेटिवली हायर, ये तब यूज़ होगा जब हमें कंपेरिजन करना हो। इसमें कोई शक नहीं कि डेटा कंपेयर होता है इन पांच तरह के चार्ट्स में, लाइन ग्राफ बार ग्राफ पाई चार्ट। एक कैटेगरी का कंपेरिजन दूसरी कैटेगरी के साथ हो सकता है, या एक सिंगल कैटेगरी का कंपेरिजन दूसरे ईयर में उसकी वैल्यू के साथ हो सकता है, तो वो कंपेरिजन हमेशा रहेगा। तो ऐसे में आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वो कंपेरेटिवली हायर होगा, ये वर्ड तो चलो आएगा आएगा कंपेरिजन में, या हायर होगा या लोअर होगा, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है ना। इन प्लेस वन फिर उसका डेटा, देन इन प्लेस टू। देखो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी आपको मेटिकुलसली करना आना चाहिए, पूरी सूझबूझ के साथ आप ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे, ठीक है। तो देखें यहाँ कैसे हुआ, एक प्लेस है चाइना, दूसरी प्लेस है इंडिया। ब्लू वाला बार चाइना का है, जहाँ पे नंबर ऑफ टूरिस्ट 2010 में कितने थे, 290,000, और इंडिया में 2010 में नंबर ऑफ टूरिस्ट थे 330,000। ये सिर्फ इमेजिनरी डेटा है, ऐसा सच का डेटा नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखो अब ये बात कैसे आएगी, द नंबर ऑफ टूरिस्ट वॉज कंपेरेटिवली हायर इन इंडिया, इंडिया में हायर हैं, या फिर ये भी लिख सकते थे वॉज कंपेरेटिवली लोअर इन चाइना, हायर इन इंडिया लोअर इन चाइना, तो फिर कंपेरिजन बाद में उसी हिसाब से हो जाता। तो यहाँ हायर इन इंडिया है, तो इंडिया का डेटा 330,000, ओके, और देन चाइना कंपेरिजन करना है, और चाइना का डेटा 290,000। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये है आपका 290,000 और ये है आपका 330,000, और कितनी आसानी से टेम्पलेट की मदद से ये काम हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ टेम्पलेट स्ट्रक्चर्स इन टास्क वन। और ये मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, टास्क वन में पिक्चर होती हैं, डेटा होता है तो, और टेक्निकलिटी होती है, तो ऐसे में टेम्पलेट आपका वक्त बचाएंगे, बड़ी जल्दी से आप अपनी रिपोर्ट लिख पाएंगे। यहाँ पे अपनी नॉलेज का कोई रोल नहीं है, टास्क टू में नॉलेज का बहुत रोल है, वोकैब का, एक्सपोजर का बहुत रोल है, ग्रामर का बहुत रोल है। यहाँ पे यही ग्रामर के स्ट्रक्चर आप सीख लो, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको टास्क वन में। टास्क टू में आपको रेंज चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो भाई अब आ जाते हैं 14 पे, और 14 क्वेश्चन, ये तीन वर्ड जो नीचे दे रखे हैं एक बार पहले इन्हें देख लो, रिस्पेक्टिवली रिलेटिवली कॉरस्पॉन्डिंगली, ओके, और सामने आपका पाई छपा हुआ है और उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, आईटी, टूरिज्म, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, और वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट, कि इन सेक्टर्स में कितना एम्प्लॉयमेंट था या कितने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ था, 45%, 25%, एंटरटेनमेंट 12%, हेल्थ केयर 60%, 16%। तो ये इमेजिनरी कुछ फिगर हैं। तो देखते हैं कि कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, और किस तरह से फिर उनका डेटा, और रिस्पेक्टिवली इन टाइम। तो द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टूरिज्म, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, टूरिज्म, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो देखो पहले टूरिज्म लिखा हुआ है, फिर हेल्थ केयर और फिर एजुकेशन, पहले नंबर पे टूरिज्म, दूसरे नंबर पे हेल्थ केयर, फिर एजुकेशन। सेक्टर वोज, अब जो ये 45% है वो टूरिज्म का डेटा है, 60% है हेल्थ केयर का डेटा है, और 25% है एजुकेशन का है। ये क्रम मिलाने के लिए, क्रम
क्रमानुसार ये वर्ड आता है हिंदी में, क्रमानुसार, क्रम के हिसाब से, तो इंग्लिश में उस वर्ड को बोलते हैं रिस्पेक्टिवली इन 2005। सिर्फ ये 2005 का डेटा है, तो ये बात आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी थी। अगर ऐसा कोई डेटा दो बार आप लिख पा रहे हो तो दूसरी बार रिस्पेक्टिवली ना लिख के आप रिलेटिवली लिख लो, रिलेटिवली इन 2005, कॉरस्पॉन्डिंगली इन 2005, तो इन तीनों का एक जैसा सेंस आता है। तो सबसे पहले तो रिस्पेक्टिवली का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो तीन डेटा एक ही सेंटेंस में इलेबोरेट करने का ये स्ट्रक्चर है। आपको इसके लिए तीन सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर से आप तीन डेटा इलेबरेट कर सकते हो। चलिए 15 देखें। 15 में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। थिंक इन प्लेस, यानी कि किस चीज का डेटा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी पर 1000 बर्थ। इन प्लेस कहाँ का डेटा है, यहाँ तो प्लेस है ही नहीं भाई। चलो मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूँ इंडिया, जो कि मैंने लिखा भी हुआ है। इन टाइम एट, फिर डेटा लिखना है, स्टूडेंट लिखोगे या वोज लिखोगे, इन दोनों में से एक चीज़ लिखनी है भाई, स्टूडेंट या वोज। ध्यान दो, स्टूडेंट भी चलेगा और वोज भी चलेगा। तो यहाँ हमने लिखा द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया स्टूडेंट, वो स्टूडेंट मत लिखना प्लीज, वोज स्टूडेंट नहीं होगा, या तो खाली वोज लिखो, स्टूडेंट 105 या वोज 105 ऑन एवरी 1000 बर्थ इन 2005। 2005 में हर, यानी कि ये इस चीज़ का आंकड़ा दे रहा हूँ मैं, सारे का नहीं है ये, 105 कब, 2005 में। ओके 2005 में 105, और क्या था ये, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया स्टूडेंट या फिर वोज 105 ऑन एवरी 1000 बर्थ, जो कि बाद में विच रिड्यूस टू, ऐसे लिख सकते हैं फिर बाद में, विच रिड्यूस टू अराउंड या रफली 95, 96, 97, तो ये 97 या 98 लग रहा है, रिड्यूस टू 98% बाय 2006, 2006 तक या इन द नेक्स्ट ईयर। इस तरह से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो फिलहाल कि एक पास्ट का डेटा, कोई आंकड़ा कहाँ पे है, कितने पे है, वो आप वोज के अलावा स्टूडेंट से भी लिख सकते हैं, तो ये रेंज आपको मिल जाएगी ग्रामर की। 16 सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखें। ऑलरेडी ये सेशन तकरीबन 1 घंटे से कुछ कम का है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा लेंथी ना हो, थोड़ी मोनोटनी आने लगती है स्टूडेंट्स को भी, लेकिन ये ज़रूरी इतना है। क्लास में भी मुझे इसे कराने में कम से कम 1-2 दिन लग जाते हैं, वहाँ मैं जल्दबाजी नहीं करता, 10 स्ट्रक्चर एक दिन कराता हूँ और 10 स्ट्रक्चर अगले दिन। लेकिन इस यूट्यूब सेशन में, क्योंकि आप बच्चे सामने नहीं होते, मैं आपसे स्ट्रक्चर लिखवा नहीं सकता साथ के साथ, इसलिए टाइम थोड़ा बच जाता है, तो 1 घंटे में ये 20 के 20 स्ट्रक्चर आसानी से डिस्कस हो सकते हैं। तो देखें, थिंक हैड नियरली, हैड नियरली या ऑलमोस्ट, इन दोनों में से एक, डबल्ड या ट्रिपल्ड, इन दोनों में से एक, कोई भी, जो अगर डेटा डबल है तो डबल यूज करो, ट्रिपल है तो ट्रिपल वर्ड यूज करो, बाय न्यू टाइम फ्रॉम ओल्ड डेटा इन ओल्ड टाइम। तो यहाँ पे देखें भाई, ये है ओल्ड टाइम 2005 और ये है 2010 न्यू टाइम। ओल्ड डेटा जो कि तकरीबन 1. मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए, 1.2, और जो न्यू डेटा है ये तकरीबन 2 है, तो 2.4 या 3 होना चाहिए। तो देखें इसको मैंने क्या लिखा है, द अराइवल ऑफ टूरिस्ट, ये हो गया थिंक, द अराइवल ऑफ टूरिस्ट इन इंडिया, तो जगह आ गई इन इंडिया, हैड ऑलमोस्ट डबल्ड, ये आ गया हैड, ये आ गया ऑलमोस्ट और ये आ गया डबल्ड, तो इसमें से हमने ये पिक किया। तो क्या है ये बात, 1.2 से 2.4, वाकई भाई ये तो बिल्कुल डबल हो रहा है। हैड ऑलमोस्ट डबल्ड बाय 2010, तो ये बाय न्यू टाइम, बाय 2010 फ्रॉम ओल्ड डेटा। ओल्ड डेटा क्या था, फ्रॉम 1.2 मिलियन, क्योंकि भाई जब कोई डबल करेगा तो पता भी तो होना चाहिए पहले कितना था, तभी तो पता लगेगा रीडर को कि डबल होके वो 2.45 हो गया होगा। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस, और ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है पिछले और अगले डेटा को इकट्ठे एक सेंटेंस में पिरोने का, डबल्ड ट्रिपल्ड। अगर इस तरह का कोई डेटा आप देख पा रहे हैं तो आराम से आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। 17 देखें, थिंक वॉज ओल्ड डेटा इन ओल्ड टाइम विच दैट एडवर्ब टू न्यू डेटा टिल न्यू टाइम। इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट, बहुत इस्तेमाल होता है, आप मेरी राइटिंग में इसे बहुत ज़्यादा देखोगे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जहाँ भी बीच में ये विच आता है या दैट आता है भाई, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ देखें, थिंग है द प्राइस ऑफ पेट्रोल, वोज, तो ये आ गया वोज, ओल्ड डेटा, ओल्ड डेटा यानी कि तकरीबन 40, और अगर ये 50 है तो ये तकरीबन 45 होना चाहिए, तो 45 वोज 46 रुपीज़ इन 2000, तो आगे आ गया इन ओल्ड टाइम इन 2000, यहाँ तक ही हमारी बात यहाँ तक हो गई। फिर लगाया विच या दैट,
एडवर्ब सिग्निफिकेंटली एस्केलेटेड, तो ये अच्छा खासा बढ़ा, क्योंकि पेट्रोल के तेल के मामले में भाई किसी चीज़ का 46 से और तकरीबन भाई वो जहाँ जा रहा है 72, तो ये अच्छी खासी बढ़ोतरी है, इसलिए हमने यहाँ सिग्निफिकेंटली एस्केलेट लिखा है। और ये एडवर्ब वर्ब वर्जन है, टू न्यू डेटा, न्यू डेटा है 72 टिल 2010, 2010 तक, टिल 2010, तो 2000 से बाद 2010 पे कहाँ आ गई, 46 रुपीज़ 2000 में, 72 रुपीज़ 2010 तक। और ये हमारी बीच में ग्रामर भी हमने यूज़ कर ली, significantly escalated। So, इस तरह से आप इन sentences को use करेंगे, कोई rocket science नहीं है, थोड़ी सी understanding और task वन में आपका 6.5-7 band पक्का। चलो भाई 18 पे आ जाते हैं। Thing went up या climbed, दोनों में से एक, यानी कि बढ़ी, to new data in new time, और वो क्या था, अप डाउन डेटा डिफरेंस फ्रॉम ओल्ड टाइम। टेम्पलेट थोड़ा कन्फ्यूज करेगा, इसलिए हमेशा एग्जाम्पल के साथ उसको किया करो। तो नीचे की इमेज भी देख लेते हैं, प्राइस ऑफ पेट्रोल का डेटा है ये, और 2000 और 2010 की बात है, और यहाँ पे कुछ दाम भी लिखा हुआ है। तो देखते हैं, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन इंडिया थिंग वेंट अप टू 72 रुपीज, टू न्यू डेटा टू 72 रुपीज, ये 72 है, इन न्यू टाइम, तो कब, इन 2010, ये लिखा हुआ है इन न्यू टाइम, और कोमा लगा के ये कितना अप है, कब से अप रुपीज 26, तो 72 माइनस कितना करना है हमें, मान लो ये 46 था, तो 72 माइनस 46 तो ये 26 हो गया, ओके, तो अप रुपीज 26 फ्रॉम 2000, 2000 से 26 रुपए ज्यादा, इससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है। और मैं सही बताऊं तो ये वाला जो तरीका है, ये मैंने खुद एक मैगजीन से या एक आर्टिकल से निकाला था, मुझे अच्छा लगा था, तो मुझे लगा कि चलो इसको बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, अच्छा तरीका है ये बताने का कि वो कितनी बढ़ोतरी थी। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर जो डाटा नीचे आ रहा है तो डाउन भी लिख सकते हो, डाउन रुपीज़ 26 फ्रॉम 2000, तो इस तरह से भी आप बात लिख सकते हो। सो इट इज़ अगेन अ नाइस स्ट्रक्चर टू मैंशन इन योर टास्क वन। अब आते हैं थिंग अकाउंटेड फॉर डेटा इन टाइम, ये जो पहले मैंने वोज लिखा था, स्टूट लिखा था, उसी का ही एक रिप्लेसमेंट है, अगर वो बार बार यूज़ हो गया हो तो उसको रिपीट ना करके आप अकाउंटेड फॉर यूज़ कर लें। थिंग अकाउंटेड फॉर डेटा इन टाइम, तो द एवरेज फूड एक्सपेंस ये थिंग है, अकाउंटेड फॉर 33%, तो ये फूड का एक्सपेंस ये आ गया, ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन हाउस होल्ड इन 2005, तो डेटा इन टाइम, डेटा हो गया 33%, ये रहा डेटा, और किसका, ऑफ टोटल इनकम ऑफ ऑस्ट्रेलियन हाउस होल्ड इन 2005, तो टाइम भी आ गया, डेटा भी आ गया, थिंग भी आ गई, और अकाउंटेड फॉर से हमने एग्जामिनर को इम्प्रेस भी कर दिया कि मुझे डेटा दिखाने वाले शब्द आते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर, थिंग प्लस प्लेस वन वाज डेटा इन टाइम, इट वाज ऑलमोस्ट 2-3 times, तो यहां अगर कोई दुगना तिगना हुए तो दो सेंटेंसेस में हम इस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, डेटा जापान का है, 2005 का, जापान और यूएस, और जो जापान लग रहा है वो देखने में लग रहा है कि वो कितना है आपका, वो है अराउंड, अगर ये 50 है और वो 100 है तो 60-70 के करीब लग रहा है भैया देखने में, और ये देखने में कितना लग रहा है कि ये 250 है 200 है, तो ये लग रहा है मुझे 220 के अराउंड। तो अगर इसमें तुम कंपेरिजन देखोगे, ये 70-72 है जितना भी है, तो ये कितना होगा, 7-21, ये 3 गुना से भाई ज़्यादा ही है, 3 times, 3 गुना से ज़्यादा। तो अब देखो कैसे यूज़ होगा, पर पर्सन कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड इन यूएस, पर पर्सन कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड इन यूएस, यहाँ मैं लिखना भूल गया कहीं भी, तो ये फास्ट फूड का कंजम्पशन है, मान लो फास्ट फूड इनटेक है, ठीक है ना, तो पर पर्सन, वो भी पर कैपिटा, पर कैपिटा क्या होता है, प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा या पर पर्सन, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड इन यूएस वॉज 220 kg इन 2005, 2005 में 220 kg था। अब हमें बताना है कि ये दूसरे वाले जो कंट्री का डेटा है उससे दुगना था तिगना था, क्या था, इट वॉज ऑलमोस्ट 3 times एज हाई एज द फिगर ऑफ जापान, जो कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे 72 kg। लुक एट द सेंटेंस फॉर्मेशन, अगर इस तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन आप करोगे लिखोगे तो एग्जामिनर क्यों नहीं देगा आपको 6.5-7 बैंड, लेकिन ऐसी होती ही नहीं, होती हैं तो बहुत उसमें इनएक्यूरेसी होती है, गलत तरीके से लिखा होता है, गलतियां होती हैं, तो एक्यूरेसी के साथ आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं। इट वाज ऑलमोस्ट 3 times,
थ्री टाइम्स से ज्यादा है तो ऑलमोस्ट लिख दिया, तो चाहे थोड़ा कम हो या ज्यादा हो दोनों चीजें उसमें आ जाती हैं। एज हाई एज उतना ही ज्यादा, द फिगर ऑफ जापान, जापान से तीन गुना ज्यादा। सो दिस इज योर 20th स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि इन 20 के बाहर कुछ नहीं होता, लेकिन ये 20 अपने आप में सब कुछ हैं टास्क वन को लिखने के लिहाज से, स्पेशली लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल और कॉम्बिनेशन चार्ट, मैप और जो फ्लो चार्ट होता है जिसको आप प्रोसेस चार्ट भी बोलते हैं, वो थोड़ा अलग तरीके से चलता है, लेकिन ज़्यादातर यही आते हैं एग्जाम में। तो ये था हमारा आज का सेशन। और विपिशा आप कह रहे हो कुड यू प्लीज रिपीट स्टेटमेंट नंबर 18, तो एक बार चलो रिपीट कर देते हैं। थिंक वेंट अप क्लाइंट, वेंट अप बढ़ना यानी कि ऊपर जाना, टू न्यू डेटा, नए डेटा पे, इन न्यू टाइम, और कोमा लगा के बस बताना है कि वो डिफरेंस कितना था। मेन सेंटेंस आपका यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, मतलब मेन सेंटेंस ये, फिर कोमा लगा के सिर्फ ये बताना है कि डेटा डिफरेंस क्या था। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन इंडिया वेंट अप टू ₹72 इन 2010, तो 72 में चला गया था ये प्राइस ऑफ पेट्रोल। फिर सिर्फ ये बताना है कि 2000 में जितना था उससे कितना ऊपर आ गया, तो वो ₹26 ऊपर आ गया भाई, अप ₹26 फ्रॉम 2000। तो यहाँ पे ये 46 था और यहाँ पे ये 72 था, तो ये 26 का डिफरेंस था। बस इस तरीके से हमें डेटा को लिखना है, डिफरेंस बता देना है, कम हुआ है तो कम बता देना है डाउन लिख के, और ज्यादा हुआ तो अप बता देना है। आई थिंक दैट सर्व्स योर पर्पस। शरण आप कह रहे हैं वेयर इज माय इंस्टीट्यूट, शरण वी बिलोंग टू करनाल, हम करनाल में बेस्ड हैं, राइट? आप अगर जो पढ़ना चाहते हैं हमसे सो यू हैव टू कम टू करनाल, बट फिलहाल तो ये जो क्लासेस लग रही हैं, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप उसके ज़रिए हमसे पढ़ सकते हैं। अगर डिसिप्लिन ऑनेस्टी हुई तो ऑनलाइन में भी आप उतना ही सीख पाएंगे जितना ऑफलाइन में हम सिखाते हैं। वो अलग बात है, जब सामने बच्चा होता है तो उसका अलग ही मज़ा होता है, बच्चे पे कंट्रोल भी ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बच्चे नहीं सीख पाते। अभी भी तो आप सीख पा रहे हैं, अभी भी तो आप एक स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं, लेकिन जो ऑनलाइन हमारी क्लास होती है, जूम सेशन पे होती है, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन टीचर के साथ हो पाता है, राइटिंग एनालिसिस हो पाते हैं, स्पीकिंग इंटरव्यूज हो पाते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। तो अगर आप इतनी दूर से यहाँ आने के लिए एक एफर्ट लगा सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट आप ऑनलाइन भी लगा के देखें। और डेली लर्निंग शुड बी योर प्रायोरिटी, मैं चाहता हूँ रोज़ आप इसे अपनी प्रायोरिटी पर रखें। और ये वीडियो अभी रहेगा अवेलेबल YouTube पे, कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, थोड़ा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी दूसरी बार में। और जो स्टडी मटेरियल चाहते हैं या हमारे ऑनलाइन कोर्स को ख़रीदना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी पैकेज लेना चाहते हैं, कम फीस के पैकेज लेना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको हमारे मोबाइल ऐप में मिलेगा और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ उसको शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर हैं 8570838141, आप इस पे हमारे एडमिशन इंचार्ज से बात कर सकते हैं, चाहे वो जीटी हो या एकेडमिक हो, दोनों की रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं जूम सेशन के ज़रिए, और रेगुलर जो बच्चों को सपोर्ट है हमारी तरफ से मिलती है। ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज़ हैं जिसके अलग से हिना मैम, शिवानी मैम जो ट्रेन करते हैं उसमें, आइल्स को प्राइमरली मैं हैंडल करता हूँ, प्रीति मैम और कुछ टीचर और हैं साथ में मिलके। और ये दो सेशन जो मैं ले रहा हूँ, 12 बजे रीडिंग और 5 बजे राइटिंग, आने वाले एक दो दिनों में मैं स्पीकिंग का सेशन भी इसी में इंक्लूड करूँगा, सो जस्ट लुक फॉरवर्ड टू दैट, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। बट मेक श्योर कि आप रेगुलर रहें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताएं इन लेक्चर्स के बारे में। सुरक्षित रहें, सेफ रखें खुद को, खुश रहें, आबाद रहें, यही मैं दुआ करता हूं, कामना करता हूं, जल्दी ये पैंडमिक ख़त्म हो जाए और हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगें। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं।